सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रतन राहत डायरेक्टर हूँ। एज अ भोजपुरी फिल्म तकरार की आज रिकॉर्डिंग है, तो हमारे सामने में राकेश जी हैं, निशा दुबे जी हैं एंड गिरीश जी हैं और लवली सिंह जी हैं, हमारे शिवा अग्रवाल जी। तो मैं मिलाता हूँ शिवा अग्रवाल जी को। ये हमारे फिल्म के इसमें इंस्पेक्टर के रोल कर रहे हैं और इनके लवर बने हुए हैं लवली सिंह, और कमिश्नर हैं जो इस फिल्म के वो गिरीश जी हैं। गिरीश जी के बड़े पुत्र बने हुए हैं राकेश मिश्रा जी, और उनके राकेश मिश्रा जी के जो लवर हैं वो हैं निशा दुबे जी। आपके कोई लवर नहीं है? हमारे कोई लवर नहीं है, डायरेक्टर का कोई लवर नहीं है। डायरेक्टर का कोई लवर। लवली जी, आपकी पहली फिल्म कुछ बताएंगी? आई थिंक ये मेरी पहली फिल्म नहीं है, हमारी कई सारी फिल्म है, लेकिन रतन राह जी का ये मेरा पहला फिल्म है तकरार। कौन कौन सिनेमा आपका है बताएंगी, कहाँ की रहने वाली है? जी मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, मैं गोरखपुर से फिल्म करती हूँ। अभी हमारा रिलीज होने वाला है 15 अगस्त को आखिरी दम तक। इस सिनेमा के बारे में कुछ बताएंगे, क्या किरदार है आपका? इसमें हमारी हीरोइन का किरदार है, जो कि मैं इनसे तकरार करती हूँ, ये हमारी भाभी बनी हुई है इस फिल्म में, मैं इनकी ननद बनी हुई हूँ। सोच लीजिए आप से तकरार है हमारी इस फिल्म में। मुझे पता ही नहीं, सीरियसली मुझे कुछ नहीं पता। आई थिंक मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यहाँ बताया गया। अच्छा, तो मैं बता रही हूँ। चलिए, अभी राकेश जी से मुलाकात पहले हुई आपकी? जी नहीं, ये हमारी पहली बार इनसे मुलाकात हुई। कुछ कहना चाहेंगे, अच्छे बुरे कुछ? नहीं, मैं बुरा तो नहीं कहना चाहूंगी, क्या ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाते भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, और मैं चाहूंगी कि आगे भी बहुत अच्छे लगे। सब किसी को हर हर महादेव। सब किसी को एक तो लंबा इंसान आगे कवर कर रहा है, एक इंसान बर्दाश्त नहीं होता, ये भी आ गया, बताओ। कैसे आप कौन हैं, जरा बताएंगे दर्शकों को? मन हुआ और दादा की फिल्म में कर रहा हूँ एक छोटा सा कैरेक्टर। बोला बोला दुबे बोला, मतलब लगता है दुबे? नहीं बोला ये आदित्य मोहन दुबे। हाँ, तो? दुबाइन बाड़ी साथ में, तो दुबे बोलेगे पड़ी। पूरा नाम बोलो। सब पंडित हैं यहाँ पे? जी नहीं, मैं सिंह हूँ, मैं लवली सिंह राजपूत हूँ। हम 1, 2, 3, 4 लोग हैं, कलाकार हैं। राकेश मिश्रा जी कुछ कहेंगे? आप दोनों से अच्छे सिंगर नजर आ रहे हैं। राकेश जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं, तो हमारी ट्यूनिंग भी अच्छी है, एंड उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म में भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ। आदित्य जी आप कुछ कहेंगे? हाँ, उम्मीद करता हूँ मैं भी अच्छा परफॉर्म करूँगा इन सब के साथ। हाँ, दादा के साथ हमारी पहली फिल्म है, पिछले 6 साल से प्लानिंग चल रही थी, शायद दादा की 2-3 स्क्रिप्ट मेरे पास पड़ी हुई है, पर इस बार मौका मिला, कर रहे हैं साथ में काम, उम्मीद है कुछ धमाल करेंगे। और भाई के साथ हमारी दूसरी फिल्म है, और सेम छोटा भाई बड़ा भाई। मजा आएगा। शिवा इस फिल्म पे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ, कुछ कहेंगे बारे में? शिवा जी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ग्रेट विशेस, खूब अच्छी फिल्म करे, खूब अच्छी फिल्म बनाए और खूब अच्छे से मेकिंग करे, साथ में एक्टिंग भी करे, काफी पावरफुल कैरेक्टर है उनका, पढ़ा मैंने, मजा आएगा सेट पे। जैसा की लोगों ने बताया, थैंक यू सो मच, अच्छी आर्टिस्ट है। राकेश जी के साथ हमारी दूसरी फिल्म है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उसमें भी मधुबाला में भी इनके फादर था, और ज़बरदस्त एक्टर राकेश, इसमें दो मत नहीं, हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, मेरा तो प्यारा बेटा तुल्य ही है, इसमें तो दो मत है नहीं, मैं उसे मानता भी हूँ। और आदित्य जी के साथ भी मेरी दूसरी फिल्म है, जब मैं एक बच्चे थे तो एक छोटे किरदार में इन्होंने रोल किया था, तो राकेश के साथ इसमें भी मैं फादर हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी जोड़ी आगे भी रहेगी ऐसा मैं तो सोच रहा हूँ, और राकेश सोचे या ना सोचे, मुस्कुरा रहे हैं, मैं चाहूंगा कैमरा वाले जाइए, कुछ ना कुछ हिसाब किताब चल रहा है, इसलिए आगे भी राकेश रहेंगे मेरे साथ। आपको नहीं लगता वो खेसियारा का फादर के रोल में जो हीरो आना चाहिए था साथ में? अरे बाप रे बाप, थोड़ा ज्यादा बोल दिया ये, हमको हीरो का मौनों में बहरा संजय। नहीं नहीं, मैं ऐसा मिसकास्ट सिनेमा नहीं करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ विलन हीरो बनना चाहते हैं, मैं ऐसा मिसकास्ट सिनेमा को मैं हीरो एक फिल्म में था, लेकिन उसमें विलेन तरह का ही रोल था, उसमें डकैत बना था, सैया बेदर्दी फिल्म, मैं विलेन ही बनना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ। 60-70 फिल्में हो गई, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम कर रही है, मुझे कोई शौक नहीं है दूसरा कैरेक्टर करने का, और खाली दादा के फिल्म में मैं एक अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर करता हूँ, जो दादा से का एक आशीर्वाद है। रतन राह जी का तो मैं फैन हूँ, इसमें तो दो मत है नहीं, तो इसलिए हमारी टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा कप्तान अच्छा है, तो मुझे लगता है कि
सब कुछ अच्छा होगा, सबसे बड़ी चीज यही। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दादा को धन्यवाद क्या, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। सबसे बड़ी चीज सीनियर है, जब एसोसिएट डायरेक्टर थे तो मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, जो बहुत बड़ी फिल्म थी। हम लोग आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद हम लोगों को दे। हमें संजय जी का क्लोज करो। थैंक यू सर, स्वागत है। आज रिकॉर्डिंग हो रही फिल्म टकराव की, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, और समस्त भोजपुरी समाज के जितने भी लोग आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, आप समस्त मीडिया कर्मी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे भोजपुरी गीत संगीत और हम लोगों से जुड़े हुए बातों को आपके द्वारा सुनते हैं, तो आप सबके आशीर्वाद और प्यार से हमारी एक नई मूवी की आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, और पूरी प्रोडक्शन टीम को, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं। राकेश जी, जब आपकी सिनेमा शूट होती है उसमें गाने गाने होते हैं, तो कितना तैयारी में लगते हैं गाने गाने के लिए? सबसे पहले आप खुद हीरो होते हैं। सबसे पहले तो फिल्म जब भी रेडी होता है तो हीरो तो सिर्फ फाइनल होता है कि हीरो है, बट हीरो होने के बाद हम म्यूजिकली सेटिंग पे बैठते हैं, म्यूजिक के ऊपर बैठते हैं, वर्कआउट होता है और स्टोरी पे वर्कआउट होता है, तो वर्कआउट के बाद ही पता चलता है कि हमारा रिजल्ट क्या आया है और हमें क्या करना चाहिए। तो गानों वानों पर अक्सर हम काफ़ी वर्कआउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ बेहतर किया जाए। 2018 में सबसे ज़्यादा आपकी सिनेमा शूट हुई है, ऐसा मार्केट में न्यूज़ है, क्या कहेंगे, कितनी सिनेमा हुई? ये मार्केट का न्यूज है, बट आप सबका आशीर्वाद है, ये न्यूज नहीं है, ये आशीर्वाद है दर्शकों का, और आप सभी लोगों का दुआ है कि कम से कम फिल्में, अच्छी फिल्में मिल जाती हैं, और करने को करते हैं हम लोग, और बस ऊपर वाले की दुआ, आप सबका सहयोग होता है। तो कितनी फिल्में हैं, मतलब बैक टू बैक अभी तो शूट कर ही रहा हूँ, बट 4-5 फिल्में अभी तक मैंने शूट किया है और अच्छी शूटिंग हुई है फिल्मों की, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी फिल्में आगे भी देखने को मिलेगी। फिल्म के शूटिंग तो में आप ज़्यादा वर्कआउट पर ध्यान देते हैं, कुछ बताएंगे क्या क्या दिन फिल्म? देखिए, फिल्म का वर्कआउट एक ही होता है कि आप सेट पे कितना टाइम से पहुँचते हो, कितना टाइम से सेट पे टाइम देते हो, और कितना प्रोडक्शन टीम के साथ आप इन्वॉल्व रहते हो। तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये कहूँगा कि हर किसी का अपना एक कोशिश होता है। मेरा भी एक आर्टिस्ट होने के नाते ये कोशिश रहता है कि अगर मुझे 9 बजे का कॉल टाइम दिया जाता है तो मैं कोशिश करूँ कि 9 बजे पहुँच जाऊँ, और कभी कदाल अगर जाने अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शूटिंग के दौरान, जैसे प्रोडक्शन की टीम या गाड़ी का नहीं पहुँचना या टाइमली, कभी तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोशिश रहता है कि शूटिंग के दौरान अपना 100% काफी जैसे बाहर में लोग रहते हैं तो जिम नहीं कर पाते, वो बॉडी पर वर्कआउट नहीं, आप उस पे कितना ध्यान देते हैं? आजकल बॉलीवुड पूरा पागल है जिम पे लगे रहते हैं। देखिए, जिम पे पागल नहीं है, सबको कुछ अच्छा करने का अच्छा लगता है, बट आप ये भी देखिए कि जिम के साथ साथ जब आप बाहर निकलते हैं तो हर जगह हमें जिम नहीं मिलता है। बॉलीवुड की थोड़ी बातें अलग होती है, हर एक रीजनल चीज़ों का अलग अलग है, बट कोशिश करते हैं कि बेहतर करें, खुद पे वर्कआउट करें, और करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हालात होती है, जैसे डे नाइट लगातार शूटिंग हो गया, 3-4 दिन हो गया, तो थोड़ा सा मिस टाइम हो जाता है। आपका कोई सपना है बॉलीवुड जाने का? मेरा, मैं ये सब मालूम कुछ नहीं जानता, मुझे एक ही चीज़ पता है कि हमारे जो सबसे प्यारे हैं संजय पटियाला जी, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी भोजपुरी आगे जाए, और आप सभी मीडिया का सहयोग है कि आज हमारी भाषा ये मुंबई के नगरी में खड़ी है, इसमें आप सबका सहयोग है, पूरे दर्शक का सहयोग है, पूरे भोजपुरी समाज का सहयोग है, बट कोशिश करते हैं कि करते रहे, खुदा ना खास्ता सभी है ना कह लगे किस्मत मान लगे, के जानता है कि मैंने लग कहाँ लग जाए, बस कोशिश करे के बाद। और कौन कौन सिनेमा आपका रिलीज पर है? अभी रिलीज होगा दुश्मन सरहद पार के और गिरफ्तार, उसके बाद ये इनकाउंटर, और फिर 2 टाइटलों का तो शायद वो लोग अभी क्लियर कर रहे हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में गाना भी आपका एक रिलीज हुआ, बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है, उस गाने के जो लाइन बताएंगे? हाँ, एक गाना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में था, और 2 गाने था, तो एक तो वो था कश्मीर तुहरा बाप के ना, और दूसरा एक गाना था कि अरे जहिया तू आ जय बुआरा तदिनवे में तारा देखा देव, ये गाना 30 लाख क्रॉस कर चुका है, और दिल से धन्यवाद पूरे टीम को, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पूरी प्रोडक्शन टीम को, साथ में सारे स्टार कास्ट को, और एक छोटा सा यहाँ भी बच्चा खड़ा है इसके तरफ से भी, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे दर्शकों को, इतना प्यार दुलार आप लोग देते हैं और हमेशा देते रहिएगा। थैंक
कुछ बताएंगे पिक्चर के बारे में, आज क्या शो यहाँ पे हो रहा है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलूँगा जो भी दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, और आज फिल्म टकरार का एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है जिसे राकेश मिश्रा जी गाएंगे और अमन सलोक जी का म्यूजिक है, और ये फिल्म शूट पे जा रही है, एक दो दिन के अंदर शूट पे जाएगी, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फिल्म का, और इसके डायरेक्टर हैं रतन राहा जी, जिनके साथ अभी मैंने एक फिल्म शूट किया है, फिल्म का नाम है बनारसी पहलवान, और उनके साथ काम करके काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी तजुर्बेदार हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट को काफ़ी अच्छा समझा के काम करते हैं, तो मज़ा आया उनके साथ काम करके। इसके प्रोड्यूसर हैं शिवा करके, उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, हीरो राकेश मिश्रा हैं और आदित्य मोहन हैं, निशा सिंह हैं और निशा दुबे हैं, गिरीश शर्मा जी हैं, अयाज खान हैं, मैं हूँ, तो काफ़ी भरी हुई फिल्म है, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं फिल्म के अंदर। सर क्या किरदार होगा आपका इस फिल्म में? मैं विलन हूँ, मेन विलन हूँ, और इसमें मैं एक नक्सली का करेक्टर कर रहा हूँ जो अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन करने में मज़ा आएगा, एक एजेड आदमी का मैं करेक्टर कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने एजेड आदमी का करेक्टर किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है क्योंकि किरदार ही नक्सली है, थोड़ा अलग है, इसके लिए करने में मज़ा आएगा। बालेश्वर जी बहुत दिनों से आप एक ही लुक पे काम कर रहे हैं, अपना लुक कब चेंज करके आएंगे? नहीं ये आपका सवाल शायद गलत होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लुक मैंने ही चेंज करता था पहले, लेकिन पहले मैंने देखा कि लुक चेंज करने की वजह से मेरी पहचान खो जा रही है, तो इसके लिए जब मैं थोड़ा सा कम बीच में किया, लेकिन अभी भी आपको मेरा लुक चेंज में कई फिल्में नज़र आएंगी, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा, जैसे एक लंका आ रहा है उसमें भी मेरा लुक चेंज है, और एक 70 साल के आदमी का मैंने गेटअप लिया है, तो लुक तो मैंने काफ़ी चेंजेस किया है काफ़ी फिल्मों में, लेकिन अपनी पहचान थोड़ी सी खो जाती है, इसलिए जो है कोशिश करता हूँ कुछ अपने लुक को मैं ही कुछ करूँ, क्योंकि किरदार विलन होता है, सकल सूरत विलन नहीं होता है। डायरेक्टर बहुत जाने माने हैं इस फिल्म के, तो उनके बारे में क्या कहें? मैंने बताया रतन जी के साथ मैंने पहले भी काम किया, फिल्म का नाम है बनारसी पहलवान, और बनारसी पहलवान जब हम लोग कर रहे थे तो मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा था, तो थोड़ा सा ये था कि भाई पहली बार एज ए डायरेक्टर इनके साथ में काम, मतलब एज एक्टर इनके साथ में काम कर रहा हूँ, कैसा क्या होगा, लेकिन जब हम लोग काम करने लगे, पहला दिन जब हम लोगों ने शूट किया तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत कूल हैं और बहुत सुलझे हुए हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं सीन को, और काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करके, और हमें उम्मीद है कि इस फिल्म में भी हम लोग बहुत प्यार से और बहुत ही मज़े में, मतलब हंसते खेलते इस फिल्म को कम्प्लीट करके आएँगे। थैंक यू। सबसे पहले तो हम भोजपुरिया भाई दर्शकन लोग के प्रणाम करे तानी, हम गिरीश शर्मा, हम आज गाना तकरार फिल्म के रिकॉर्डिंग हो जा रहा बा, जो बहुत बढ़िया गाना बा, और हम भोजपुरिया होए के नाते एकदम निश्चित तौर पे कहा तानी कि ये फिल्म के गाना सुपर डुपर हिट हुई, क्या है कि हम ये सिलेक्शन में डायरेक्टर साहब, म्यूजिक डायरेक्टर साहब हमरा के एक योगदान के रूप में बोलौले रहलन कि एक गाना रुआ भी सुन ली, पुराना एक्टर बनी, भोजपुरी समाज से बनी, तो गाना बहुत बढ़िया बा और बहुत बढ़िया अमन जी एक गाना के बनौले बारन। आपका क्या रोल है इस फिल्म में? हम एहमें कमिश्नर के रोल करा तानी, जे राकेश मिश्रा जी के और आदित्य मोहन जी के हम फादर के रोल में हम बनी, पहले हम SP बनी, बाद में हम कमिश्नर बना तानी, 15 साल बाद हमार प्रमोशन होका था। ये फिल्म के एक मेन कैरेक्टर बा रतन राहा जी के फिल्म में, एक पहले हम मेन विलेन कैले रही तो बातचीत भैल तो कहलन कि एह में तू एह रोल कर, हम बहुत खुश बानी ए रोल करे से, कहे कि ये फिल्म के सबसे बढ़िया और एक अच्छा किरदार के रूप में ए रोल बा। राकेश मिश्रा जी हैं, आदित्य मोहन जी हैं, आपको निशा दुबे जी हैं, साइना जी हैं, नीलू जी हैं, बालेश्वर जी हैं, अयाज खान हैं, एकरा अलावा जाने माने हमारे डायरेक्टर जो सिनेमा के स्तंभ रतन राहा जी हैं, सबसे बड़ा ब्रांड तो नाम वही है, रतन राहा जी एक ब्रांड है, आज बड़ी बड़ी हिंदी फिल्मों से आए हैं, शिवा अग्रवाल इस फिल्म से लॉन्च हुए, और शिवा अग्रवाल जी नवोदित कलाकार के रूप में अवतारन, जो दरोगा के रोल में बारन, तो बहुत बढ़िया लगत बा हमरा के, ये सब के बीच में एक कमिश्नर के रोल के रूप में हम एक ताना बना, सबके रोल एक कमिश्नर के SP के इर्द गिर्द में घूमता। कब से शूटिंग हो गया और कब तक? हम परसों से 2 तारीख से हम लोग शूटिंग करे जात बनी राजपिपला में, बहुत बढ़िया लोकेशन बा राजपिपला।
और कौन कौन सिनेमा आपके रिलीज पर है? रिलीज पे है सिंदूर की सौगंध, रतन राहा जी की आपको बनारसी पहलवान, राजेश मिश्रा जी की, राजेश कुमार जी की लाल, इसके अलावा कई एक फिल्में आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू प्रणाम। पहले हर हर महादेव, आज जो फिल्म का गाना रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, जो मुहूर्त हुआ, फिल्म का टाइटल टकराव, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, फैमिली ड्रामा है, दो भाइयों के बीच का टकराव की कहानी है। फिल्म का डायरेक्टर है रतन राहा जी। दादा के साथ बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी, काफ़ी दिनों से स्क्रिप्ट आई थी, इस बार जाके मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। साथ में राकेश मिश्रा जी हैं, निशा दुबे जी हैं, शिवा जी हैं। राकेश के साथ मैंने एक फिल्म और की थी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और एक मैंने आदर्श जैन जी की फिल्म की है, जाने सरफरोश। काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग है हम दोनों भाइयों का, काफ़ी मज़ा आता है सेट पे, एकदम हर हर महादेव करते हुए काम करते हैं। इसमें मैं कुछ अलग शेड कर रहा हूँ। दो भाई हैं, दो भाइयों से थोड़ा सा नटखट सा, थोड़ा तेवर वाला बिगड़ल भाई का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जिसकी अपने बड़े भाई से नहीं बनती है। बाकी फिल्म फिर वो लास्ट में कैसे सबकी हेल्प करता है, कैसे कैसे सिचुएशन होता है, कैसे कैसे जाता है, फिल्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी प्यारा है। बाप बेटे की लड़ाई है, भाई भाई का टकराव है, तो मज़ा आएगा करके, और एक अलग शेड करने को मुझे इस बार मिल रहा है, काफ़ी अच्छा लगेगा फिल्म में काम करके। रतन दा काफ़ी अच्छे इंसान है, काफ़ी अच्छे और काफ़ी मेहनती मेकर हैं। जिस तरीके से और जितनी मेहनत के साथ, जितनी लगन के साथ वो काम करते हैं, काफ़ी मतलब महादेव हैं, काफ़ी अच्छे से मतलब मज़ा आता है, मैंने जो सुना है उनके बारे में। और इस बार तो काम कर रहा हूँ, आई होप कि मज़ा आई काम करें उनके संगे, और इंतज़ार बा जे 2 तारीख से शूटिंग जाता, दादा के डायरेक्शन में काम करें, मज़ा आई। सर सबसे ख़ास बात यह है कि मैं कभी पहले से तैयारी नहीं करता हूँ, अपने ऊपर हमेशा मेहनत करता हूँ, और बाकी सेट पे ही महादेव के ऊपर छोड़ता हूँ। और अब आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ फिल्म में हमारे जो साथ जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, शिवाजी। शिवाजी प्लीज़ वेलकम, आइए इधर। ये शिवा अग्रवाल जी हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर भी हैं, और इस फिल्म से इनकी लॉन्चिंग हो रही है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। सर कुछ बताइए अपने कैरेक्टर के बारे में और फिल्म में। आपने तो इतना कुछ बता दिया, तो मेरे बताने लायक रहा नहीं। और खैर, जब आपके जैसा भाई अगर कोई नए एक्टर को मिल जाए तो उसकी जीवन धन हो जाती है। आपसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने कर्म के साथ साथ आपका जो साथ पाया हूँ, मैं बहुत एक शानदार अभिनय करके बताऊँगा आपको। सब सब महादेव हैं, भाई का काफ़ी अच्छा रोल है इनका, काफ़ी पावरफुल है। मतलब हाँ, अभी रिसेंटली मैंने दिल दिया है जान भी देंगे, समीम सैयद जी के डायरेक्शन में कंप्लीट किया, वो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। और फिल्म की सबसे खास बात ये है कि अब तक मैं जितनी फिल्में करते हैं, चाहे विजय पथ, लुटेरे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, स्वर्ग, सब में कहीं ना कहीं से शहीद हुआ, और उस फिल्म में भी हीरो हीरोइन मर जाते हैं, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ परिवार के बाबू, जो 10 तारीख से शूट शुरू है लखनऊ में। इसमें मेरे साथ रानी चटर्जी जी हैं, शुभी शर्मा जी हैं, सीमा जी हैं, काफ़ी मल्टी स्टार फिल्म है ये, और 3-4 हीरोइनों के साथ मैं सोलो हीरो दिखूँगा इसमें। उसके बाद विजयनी अभी हिंदी फिल्म में रिलीज़ होने वाली है, और मोहब्बत के सौगात भी रिलीज़ पे, अभी लास्ट ईयर मेरी स्वर्ग आई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आई, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा मार्केट में, तो फिल्में पाइपलाइन में है। उसके बाद एक हिंदी फिल्म में शूट करने जा रहा हूँ आगरा में जुलाई से, मन क्यों बहका रे, काहे हम प्यार कैली, तो 5-6 फिल्में हैं पाइपलाइन में जो कंटिन्यू हैं। अभी इस शेड्यूल में काफ़ी डेट्स की तकलीफ आ रहे हैं, मैं 4 दिन यहाँ तो 5 दिन वहाँ लखनऊ में, ऐसे करके डेट मैनेज किया हूँ, तो मज़ा आएगा इस बार, काफ़ी भागम भाग में शूट करने वाला हूँ, बस आप लोगों की दुआ चाहिए, थैंक यू। चलो रोल। नमस्कार, हम गीतकार मुन्ना दुबे और समस्त भोजपुरी श्रोतागण और दर्शकगण के हाथ जोड़ के प्रणाम। मुन्ना जी, आज क्या चल रहा है यहाँ पे आपका, कौन और लॉन्च तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज बात करेंगे तकरार की, जो निर्देशित हमारे रतन राहा जी हैं, स्टारर राकेश मिश्रा जी हैं, आदित्य मोहन जी हैं, निशा दुबे हैं, गिरीश शर्मा हैं, और भव्य मुहूर्त तो नहीं, लेकिन गाने से इस पिक्चर की शुरुआत हो रही है, और 2 जून से ये शूट पे जा रही है पिक्चर। तो हम यही कामना करेंगे कि जिस तरीके से शुरुआत हुई हो और ये पिक्चर ख़त्म हो, ताकि पर्दे पे आए और हमारे दर्शकगण इसको सहारे। किस तरह का गीत है, कुछ गीत के बारे में आज का जो आपका गीत जो रिकॉर्ड हो रहा है? देखिए, गीत तो मैं अभी गा के नहीं बता सकता, क्योंकि पूरे चैनल और सब कुछ है। रोमांटिक है, सैड है, आइटम है, और जैसा भोजपुरी में रहता है। आप रियल लाइफ में इतने रोमांटिक क्यों लगते हैं?
नहीं रोमांटिक हम हैं नहीं, अब लोग रोमांटिक कह देते हैं। एक ऐसा पुराना आपने गाना सुना दिया जो पहले हिट हुआ आपको, दिल लिखता है इसके ऊपर बहुत चर्चा होती रहती है। देखिए सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन आते हैं कि गाने कैसे होने चाहिए, रोमांटिक हो कि आइटम हो, हम तो अपने मन से नहीं लिखेंगे, जो स्टोरी का डिमांड होता है, जो हमारे डायरेक्टर हमारे प्रोड्यूसर जो जो स्टोरी राइटर गाने को जैसे रखते हैं कि हमें रोमांटिक चाहिए तो वैसे उस मूड के गाने बनते हैं स्टोरी के अनुसार। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए अमन श्लोक जी बहुत गुणी आदमी हैं और आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हमारे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इनके साथ कॉम्बिनेशन हमारा पुराना है और ऐसा ही चलता रहेगा। मुन्ना जी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी डायरेक्टर ने आपका पूरा का पूरा गाना ही कट कर दिया, बोले दोबारा से लिखो? कितना बार हुआ है, होता है, हम लोग लिखते हैं कट होता है और मेहनत करके गाने बनते हैं और करते हैं। नहीं नहीं कोई तकलीफ की क्या बात है, अगर सिचुएशन है कुछ और हम गाने लिखेंगे कुछ तो इसमें तकलीफ की क्या बात है। कावत जी अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि सबसे ज्यादा अश्लील जो गाने हैं मुन्ना दुबे लिखता है, मैं सोच लिखता हूं, क्या कहेंगे कावत जी के बारे में? नहीं नहीं कवच जी बहुत अच्छे राइटर हैं। और बात रहा अश्लील और सभ्य का, तो अश्लील का सबसे ज़्यादा एल्बम में है क्योंकि एल्बम का ना सेंसर होता है ना कुछ होता है, जो मन हुआ उसको गा करके यूट्यूब पर डाल दिया। कम से कम फिल्म का तो सेंसर होता है, सेंसर पास करता है तब जाके लोगों के पास पहुँचता है। तो मुन्ना जी आपने कितने अश्लील गाने लिखे होंगे अब तक? अश्लील मैं उतना नहीं लिखता हूँ, जितना भी हमारे गाने आप सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे गाने हमने लिखे हैं और कोशिश हमारी हमेशा रही है कि मैं अच्छे गाने लिखूं। कहाँ के रहने वाले और इस लाइन में कैसे आपका आना हुआ? आप एक इंजीनियर थे सुने कि? देखिए नौकरी छोड़ने के बाद लिखने का तो बचपन से शौक था और लिखते लिखते पहुंच गए मुंबई। इंजीनियरिंग में पैसे कम मिलते थे, इसमें ज़्यादा मिलता है? नहीं पैसे की बात नहीं है, देखिए ये एक पैशन है और हमारा जो जो दिल गवाही दिया कि हमें ये काम करना चाहिए, जिस काम में मन ना लगे वो करके क्या फायदा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। सेंटर पे दिख रहा है कैमरा कौन सा वाला? ये वाला मोशन का कैमरा। निशा जी बहुत बहुत स्वागत है, आज रिकॉर्डिंग चल रही है टकराव की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज से गानों की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और दो दिनों में हम लोग निकल रहे हैं शूटिंग के लिए, गुजरात के राजपिपला में फिल्म शूट होगी, तो मेरे लिए अच्छे वाओ मोमेंट है, मेरे लिए अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है। क्या कुछ सिनेमाघर में किस तरह के किरदार को बताएंगे? जैसा कि बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी मैं कुछ हर फिल्म में मेरा कुछ ना कुछ अलग अलग कैरेक्टर प्ले करती हूँ, तो इस फिल्म में भी एक अलग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, एक ऐसी लड़की का जो कि इस फिल्म में डबल रोल लाइक कि पहले तो पॉजिटिव होती है फिर निगेटिव होती है फिर पॉजिटिव होती है, तो इसमें दोनों चीज़ें नज़र आएगी, मतलब हीरोइन भी और विलन भी दोनों चीज़ इसमें मेरे कैरेक्टर में नज़र आएगा। अच्छा रतन राहा के साथ इतना सिनेमा को मिलना क्या कारण है आखिर? कारण ये बोल सकते हैं कि हम लोग सिर्फ मुझे ही नहीं, रतन राहा जी से जितने भी लोग जुड़े हुए, फिर चाहे वो राइटर हो, कैमरा डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन टीम हो, सभी लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, बिकॉज एक टीम वर्क करने में सबको अच्छा लगता है, एक बार जब हम लोग ट्यूनिंग बन जाती है तो सब लोग काम करते हैं। अभी मैंने इनके साथ सबसे पहले करम युग किया था, उसके बाद अभी बनारसी पहलवान किया है और ये मेरी तीसरी फिल्म है इनके साथ टकरार। बिल्कुल टकराने हो क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। टकरा क्या चाहते हो तुम, जो भी एक काम कर रहे हो? अभिनेता राकेश मिश्रा जी हैं जो आपके नजर आ रहे हैं। हाँ। कैसा ट्यूनिंग है आपका उनके साथ? राकेश जी के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, हमने पहले एक फिल्म की थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसमें कि अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को, हमारा जो गाना था। राकेश जी के साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग है क्योंकि हमने पहले भी काम किया है, हमारी एक फिल्म आई थी अभी लगभग एक साल पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसमें कि हम लोग साथ में काम किए और एक गाना भी था जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, कुछ 3 मिलियन प्लस व्यूज़ भी गए हैं उस गाने के, तो अच्छा ट्यूनिंग है राकेश जी के साथ। आपका सबसे बेहतरीन गाना कौन सा जो सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हो? वैसे तो सारे गानों के अच्छे व्यूज़ है, किसी एक को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी कंपनियों से गाए हैं और सभी किसी को कंपेयर नहीं किया किसका ज़्यादा किसका कम है, हर गाने को अच्छा रिस्पांस मिला। कोई गाना आपके द्वारा जो दर्शक सुना दीजिए जो आपका पसंदीदा गाना हो सुनाने को? हाँ। मैंने अभी एल्बम किया था जिसका ये गाना बहुत अभी चल रहा है और जब भी मैं उधर शो करती हूँ बिहार यूपी में तो इस गाने की हमेशा डिमांड होती है कि वर्ल्ड वाइड से मेरा गाना आया था, अरे यूपी बिहार के हाई कर जजन पढ़ा चली सा हो, हाँ यूपी बिहार के हाई कर जा जन पढ़ा चली सा हो,
कि हम ता तोहरे हैं निशा बोला चाहे कहीं सा हो, हम ता तोहरे हैं निशा बोला चाहे कहीं सा हो। निशा जी, आपके साथ और इस फिल्म में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं बताएंगे? जहाँ तक मुझे पता है कि इस फिल्म में हमारे साथ बालेश्वर जी हैं और अयाज जी हैं, संजय पांडे जी हैं, राकेश मिश्रा जी तो हैं ही, आदित्य मोहन जी हैं और कुछ नई लड़कियाँ भी हैं जो कि एज अ लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड काम कर रही है। और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, मुझे सबके बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं, इतने लोगों को मैं जान रही हूँ। फिल्म को लेकर क्या क्या तैयारियाँ की आपने? फिल्म को लेके अच्छे प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं बॉम्बे में, मैं भी क्योंकि लगन का टाइम था तो मैं गांव में थी, प्रोग्राम चल रहा था हम लोग का, तो स्पेशली मैं वहाँ का काम अभी प्रोग्राम ड्रॉप करके मैं यहाँ पे आई हूँ इसी फिल्म के शूट के लिए खास करके, तो अच्छी तैयारी चल रही है। तो अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो आप अपना सुबह का काम कर रही, जिम जाती हैं आप? थोड़ा बहुत। कौन ट्रेनर आपका? ट्रेनर से क्या करना है आपको? मुझे तो पहले आपको ट्रेनर की जरूरत है। वही तो ये जो आपका आ रहा है ना आगे से संस्कार बाहर आ रहा आपका। जिम कितने घंटा जिम जाते कुछ बताएंगे? अभी कुछ दिनों से जिम नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि अभी लगन के टाइम में मेरे शोज हो रहे थे बिहार यूपी में, तो यहाँ बॉम्बे जब रहती हूँ तो परमानेंट जिम जाती हूँ, जब नहीं रहती हूँ तो फिर ड्रॉप हो जाता बीच में, तो अभी कुछ दिनों से छूटा हुआ है। कुछ नया कुछ प्रोजेक्ट जो रिलीज पे कुछ बताएंगे? हाँ, अभी मैं सावन करने वाली, क्योंकि अभी जुलाई में, जैसा कि जानते हैं, जुलाई में सावन चढ़ जाएगा, बाबा धाम जो हम लोग देवघर का एल्बम हर साल निकालते हैं, तो वो मैं करने वाली हूँ बहुत जल्द आप सबके बीच में। मेरे देवघर का भी एल्बम आने वाला, बुलबम का। मूवी अभी तो टकरार के शूटिंग के लिए हम लोग जाने वाले हैं, इसके बाद और भी 3-4 मूवीज है जो कि लाइनअप है, लेकिन अभी क्योंकि कन्फर्म नहीं है, अग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अभी नाम नहीं बोल सकती, लेकिन चीज़ें मेंटेन हैं, अभी हो सकता है आगे भी लगातार ऐसे करते रहोगे। अच्छा, भोजपुरी में कल्पना जी सिंगर हैं, कुछ ऐसा कुछ आपका कुछ उनसे कुछ टोन मिलता है, उनके बारे में कुछ कहेंगे? मेरा टोन मिलता है? अरे बाप रे, थैंक यू ने बोला कि मेरा टोन कल्पना जी से मिलता है। एक्चुअली मैं उनको मतलब गुरु बोल सकती हूँ, मैंने उनको देख के गाने की शुरुआत की थी उनकी, जब उनका जब एल्बम आया था गो निम्बू दो चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में, उसमें मैं स्कूल में पढ़ती थी और उस समय से फिर मैंने उनको देख के गाना शुरुआत किया, स्टार्ट किया, तो गाइड मतलब गुरु है वो मेरी, उनकी तरह कोशिश करती हूँ। आवाज़ तो मेरी नहीं मिलती, आज संजय जी ने बोला इनको मैं मिठाई खिलाऊंगी, तो कोशिश है मेरी कि उनके जैसे गा पाऊँ। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप सब मुझे इस तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहे, और थैंक यू सो मच। और जो लोगों ने BBC भोजपुरी, बॉलीवुड और भोजपुरी बातें, सभी चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अपना आशीर्वाद प्यार दुलार ऐसे ही देते रहे, थैंक यू। हाँ सर, सबसे पहले मैं शिवा अग्रवाल, UP से महाराजगंज जिला का रहने वाला हूँ, और मैं अपने समस्त भोजपुरी के दर्शक बंधुओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहूँगा। और आज हमारे तकरार फिल्म का जो गाने होते हैं, आज उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, और कल से हम लोग यहाँ से मतलब रवाना होंगे गुजरात राजपिपला के लिए, और इसकी शूटिंग की तैयारी परसों से चालू हो जाएगी। सुनने में बहुत खूबसूरत किरदार कर रहे हैं आप इस फिल्म। सर, किरदार तो हमारे रतन राहा जी ने हमें दिया है, फिलहाल अभी मैं नया डेब्यू कर रहा हूँ इसमें, और हमारे साथ बड़े बड़े स्टार हीरो हैं, आदित्य जी और राकेश मिश्रा जी हैं, उनके साथ में मैं काम कर रहा हूं। ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता उनके बारे में, लेकिन उनके साथ काम करने में अच्छा लगेगा और मुझे कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। कितनी तैयारियां की आपने फिल्म को लेके? सर, फिलहाल में तो तैयारी हमारे रतन जी करवा ही रहे हैं, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने तरीके से, मैं चाहूँगा कि शानदार अभिनय करूँ मैं, फिलहाल अभी नया हूँ। नर्वस नहीं है फिल्म? नहीं सर, नर्वस तो बिल्कुल नहीं है। पहले कोई बचपन से कभी आपका था इच्छा की फिल्म में? हाँ सर, इच्छा तो हर इंसान की होती है, किसी का पूरा होता है, किसी का नहीं पूरा होता है। खैर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आज भगवान ने मुझे ये दिन दिया, और रतन राहा जी हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें ये चांस दिया। फिल्म द्वारा आपकी सोच क्या है स्टार को लेकर के? स्टार तो सर अपने तरीके से, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्टारों को चुना है, और मैं जानता हूं कि हमारे फिल्म का नाम तकरार है, और ये तकरार एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी। दर्शकों के बीच में जब ये जाएगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारे भोजपुरी में भी कोई ऐसी फिल्म बनी है जो ऑल फैमिली को देखने लायक है। क्या करने फिल्म, करने फिल्म में सर मैं इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। हाँ, किसी रियल इंस्पेक्टर से मिले हैं कभी? कुछ रियल इंस्पेक्टर से मिला हूँ सर, मेरे पापा भी पुलिस में ही काम करते हैं। अच्छा, कहाँ पर हैं पापा? हमारे पापा सर UP में हैं। किस पुलिस में हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस में। उत्तर प्रदेश पुलिस। हाँ, किस पोस्ट पे हैं वो? सर अभी तो
वहाँ पे पोस्ट उनका है जो क्या पीएससी का। तो कभी पापा से कुछ सीखे हैं कि कैसे क्या कुछ? सर देखिए, सीखना तो है, दुनिया में आए हैं तो लोग सीखते ही रहते हैं। खैर, माँ बाप तो बच्चों को हमेशा सिखाते हैं और उन्होंने हमें सिखाया है, और उससे ज़्यादा हमारे गुरु जो रतन राहा डायरेक्टर जी हैं, उन्होंने हमें ये चांस दिया है और उन्हें पूरा भरोसा है कि मैं इस किरदार पे खरा उतरूंगा। राकेश मिश्रा इस फिल्म के लीड एक्टर? हाँ सर, मेन हीरो हमारे राकेश मिश्रा जी हैं, उनके अपोजिट में निशा दुबे जी हैं, और हमारे दूसरे हीरो का जो लीड कर रहे हैं वो हमारे आदित्य मोहन जी हैं, उनके साथ में साइना खान सेकेंड लीड में काम कर रही हैं। और कौन कौन सा आर्टिस्ट है इस फिल्म में? और आर्टिस्ट में सर, इसमें हमारे विलन में बालेश्वर सिंह जी हैं, अयाज खान हैं, और गिरीश शर्मा है, तो गिरीश शर्मा का इसमें पॉजिटिव रोल है जो कमिश्नर का ऐड करेंगे इसमें। हाँ, कब तक दर्शक देख सकते हैं सिनेमा को? हाँ सर, अभी तो फिलहाल इसका 2 जून से शूट चालू हो जाएगा। अब जितना वक्त लगे हम लोगों को फिल्म कंप्लीट करने में, रिलीज होने में, तो 3 से 4 महीना लग ही जाएंगे। नवंबर तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी सिनेमा थिएटर तक पहुँच जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के लिए। जी, मैं नीलू यादव सब भोजपुरी श्रोता लोगों को नमस्कार करती हूँ। मैं इसमें कमिश्नर की वाइफ का रोल कर रही हूँ। तैयारियाँ तो हम लोग को ऑलरेडी रहता ही है, करते करते तैयारी रहते हैं हम लोग, तैयारी करने का ऐसा कुछ ये नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है सब लोग के साथ काम करना। इसी के साथ मैं सब लोग को धन्यवाद बोलती हूँ, सबके बारे में, जो भी है हमारे साथ, पूरी यूनिट के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं पूनम तिवारी, टकराव फिल्म के मुहूर्त पे आए हैं हम लोग, जिसमें राकेश मिश्रा जी काम कर रहे हैं, और ये बहुत हैंडसम से लड़के बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। आदित्य मोहन जी काम करते हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं, इनके साथ आज काम करने का मौका मिला है मुझे। मेरा भी कोई कैरेक्टर रोल है, मुझे सीक्रेट है, बताना नहीं है। नमस्ते जी। मैं नमस्कार, मैं लवली सिंह राजपूत हूँ, और मैं तकरार मूवी की स्टूडियो में आई हूँ मुहूर्त करने, और कल से हमारी शूट है गुजरात में, और मैं इसमें हीरोइन की काम कर रही हूँ। रतन राह जी की हमारी पहली फिल्म है, आई थिंक इसके पहले मैं कई सारी फिल्में की हूँ, लेकिन उनके साथ मेरी पहली फिल्म है जी। आई थिंक वो तो मेरा गाना नहीं है, आपके नाम से गाना जुड़ा हुआ है। हाँ, गाने पे सुना है, किसने गाया है? नहीं यार, खेसारी जी ने जी। कैसा गाना लगता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लगा के फेयर लवली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे बार बार सुनती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम उसमें लिया। अभी तो मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन मिलूंगी तो उसमें उनको कंग्रेचुलेशन जरूर कहूँगी मैं। नहीं, वो तो हमारे भोजपुरी के फैन है, बहुत बड़े फैन है वो हमारे जी। इस फिल्म का नाम है तकरार। जी जी, किससे आप तकरार करने वाले? इसमें हमारी तकरार निशा जी से है जी। इसमें हमारी वो भाभी बनी है, मैं उनकी ननद बनी हूँ जी। बहुत बड़े, नहीं नहीं, मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं वो हमारे फ़ैन नहीं, मैं उनकी फ़ैन हूँ। अगर मैं मिलूँगी तो उनको और पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? और क्या क्या आपको अच्छा लगा? आई थिंक मैंने पूरा स्टोरी अभी नहीं सुना है, लेकिन जो भी सुना है मैं बता दी हूँ कि मैं इसमें हीरोइन की काम कर रही हूँ, और निशा जो है वो हमारी इसमें भाभी बनी है, मैं उनकी ननद बनी हूँ, और मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल जो है मैं जानती हूँ वो बता दी। उनके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, कि आज मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। हमारे प्रोड्यूसर हैं और बहुत अच्छे हैं, जैसे भी आगे देखते हैं क्या होता है। जी, मेरा पहला फिल्म है सौतेलापन, और मेरा दूसरा फिल्म रिलीज हो रहा है आखिरी दम तक 15 अगस्त को, और ये हमारा तीसरा फिल्म है। अभी तक तो बहुत अच्छा आ रहा है, अब आगे देखिए।